आज हम बनाएंगे सच्चा साबू साबूदाना क्रिस्पी वेज। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का साबूदाना, आधा कप सच्चा साबू साबूदाना ले। इसे 2 कप पानी में 3 घंटे के लिए भिगो लें। 1/4 कप उबले और मैश किए आलू ले। इसमें भीगा हुआ आधा कप सच्चा साबू साबूदाना डालें। 1/4 कप बीन्स और 1/4 कप गाजर डालें। 1 बड़ा चम्मच हरी धनिया पत्ती भी डाल दें। 1/2 छोटा चम्मच हरी मिर्च डालें। 1/4 कप चावल का आटा डालें और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दें। मसालों में हमें चाहिए 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। एक बेकिंग ट्रे को चिकना करके लें और इसमें साबूदाना का मिश्रण फैला लें। ध्यान रहे कि इस मिक्सचर को एक समान फैलाएं। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म करके ट्रे रखें। 8 से 10 मिनट के लिए ढककर स्टीम कर लें। साबूदाना को स्टीम होने के बाद ठंडा होने के लिए अलग रख दें। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। एक फ्राइंग पैन में तलने के लिए तेल गरम करें और सभी साबूदाना के टुकड़े इसमें तल लें। ध्यान रहे कि इन्हें तेज आंच पर ही पकाना है। दो मिनट पकने के बाद इसे बीच बीच में चलाते रहें। सच्चा साबू साबूदाना क्रिस्पी वेज बनकर तैयार है। इसे टमाटो केचप के साथ गर्मा गर्म परोसें।